पाकिस्तान नेवी सिविलियंस रिटन टेस्ट प्रिपरेशन कंप्यूटर एमसीक्यूज क्लास नंबर 9 यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट सिविल अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिन्होंने तो कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स में अप्लाई किया है ना, उनके कंप्यूटर के एमसीक्यूज मस्ट होंगे और एमएस ऑफिस में से होंगे। मैं जो ना वीडियोस इस पे बनाई जा रहा हूँ, अभी आज तो मैंने 10 वीडियोस अपलोड कर दिए ना, आज और कल में, तो आपने ये वीडियोस भी लाजमी देखनी है। आपको डेली बेसिस पे ये वीडियोस मिलती भी रहेंगी, तो आपने वीडियोस मिस नहीं करनी इंशाल्लाह, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Candidates, Assalamu alaikum. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart channel, the best education platform. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की ये जो वीडियो है ये है पाक नेवी सिविलियंस का, जिन्होंने टेस्ट देना है एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर या अप्रेंटिसशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज मस्ट होते हैं आपके पेपर में, सो आपको ये देखने पड़ेंगे। ओके, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमुर करे या अगस्टा एडेमिंग? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। ओके, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल द अबव। द राइट ऑप्शन इज ऑल द अबव। जो कंप्यूटर होता है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी, ये चीजों को स्टोर भी करता है और रिलेटिव भी। ओके, इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नाउन एज यूनिप्रोसेस, मल्टीप्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि ऐसा कंप्यूटर जो एक से ज्यादा प्रोसेस रखता है वो मल्टी प्रोसेसर होगा, सिंपल ना, ठीक है, वो मल्टी प्रोसेसर होगा। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस that converts drawing, printed text or other images on visual graphics is called digital form में जो convert करती है light sensitive device, जो कि convert करती है drawing, printed text को और images को digital form में, वो क्या कहलाती है? keyboard कहलाता है, scanner कहलाता है, OMR कहलाता है, क्या कहलाता है? that is called scanner। okay, ये scanner कहलाता है। WWW stands for World Whole Web, Wide World Web, Web Worldwide या World Wide Web, तो ये कहलाती है World Wide Web। Okay, a collection of systems, programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called System Software, Operating System, Utility Program, डिवाइस ड्राइविंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कलेक्शन होती है सिस्टम प्रोग्राम्स की, जो कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ऑपरेशंस के साथ। ओके, वन बाइट इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन बाइट किस चीज के बराबर होता है? वन बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। An area of a computer that temporarily holds data waiting to be processed is CPU, memory, storage or file. The right option is memory. तो area computer का area जो कि temporarily hold कर लेता है data को process करने के लिए, वो memory कहलाती है, ठीक है। Dash is the key we use to run the selected command. Shift, tab, enter या curtail. तो इसका आंसर है इंटर, जो है ना कमांड होती है किसी भी चीज को रन करने के लिए, हम इंटर का बटन दबाते हैं तो वो चीज चलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट
दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज प्रोसेस्ड ग्राफ्स इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंटेशन. द आंसर इज इंफॉर्मेशन. What kind of memory is both static and non-volatile? कौन से टाइप की मेमोरी है जो कि स्टैटिक भी होती है और वोलाटाइल भी होती है? That is ROM, R-O-M. ROM जो मेमोरी है ये स्टैटिक भी होती है और non-volatile होती है. The task of performing operations like arithmetic and logical operation is called. ठीक है, ऑपरेशन जो होते हैं और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, इन टास्क को परफॉर्म करता है कौन सी चीज? प्रोसेस. इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं और जो इसको प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसिंग, अमल को प्रोसेसिंग. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? बेसिक, COBOL, कोबोल या C++, MS Excel. तो बेसिक, कोबोल या C++ ये जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं. MS Excel जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट हार्ड डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स या CD ड्राइवर्स. तो जो प्रिंटर है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी जो फ्लॉपी डिस्क है, CD ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेज हैं, किसी मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. बट प्रिंटर्स आपको बताएं किस लिए इस्तेमाल होते हैं. द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज जैकिंग, हैकिंग, स्पूफिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट. तो इसे कहते हैं स्पूफिंग. माइंड में रखिएगा, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था. मलिशियस सॉफ्टवेयर इज नाउन एज मेलवेयर. ये तो आपको पता है, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं उनको पता होगा कि मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है. कैथोड रे ट्यूब इज ए फॉर्म ऑफ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या मदरबोर्ड. तो इसका आंसर है मॉनिटर. कैथोड रे जो ट्यूब है वो मॉनिटर की एक टाइप है, फॉर्म है. ओके, डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट. IP address, domains, protocol, gateway. The right option is protocol. Protocol are sets of rules and procedures to control the data transmission over the internet. Computers combine both measuring and counting are called analog digital hybrid. तो इसे हम कहेंगे hybrid, जिसमें analog भी हो और counting भी हो. ठीक है, measure जो कर सकता हो दोनों को. द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग, सॉर्टिंग, समराइजिंग, रिप्रोड्यूसिंग. तो ये होती है सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करना किसी चीज को, ऐसे समझ लें आप. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डिवेलपमेंट? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. तो जो फिफ्थ जनरेशन है वो अभी भी डिवेलपमेंट में है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तो डियर कैंडिडेट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी. तो हमें दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह पाक को राज़ी करें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफ़े भेजें, अपने बड़ों का कहना मानें. अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.